दोस्तों, पहली बार चाइना ने कुछ अच्छा काम किया है जिस वजह से भारत के तेजस फाइटर जेट के मलेशिया टेंडर में जीतने के चांसेस बढ़ चुके हैं। दरअसल दोस्तों, मलेशिया 18 की संख्या में ट्रेनिंग फाइटर जेट खरीदना चाहता है। मलेशिया के इस टेंडर की कॉस्ट $3.5 बिलियन होने वाली थी और इस टेंडर में भारत ने अपने तेजस को भेजा था, चाइना ने अपने JF-17 को भेजा था और साउथ कोरिया ने अपने F-50 को भेजा था। मलेशिया को तेजस $3.7 बिलियन में पड़ता, चाइना का JF-17 थंडर $3.2 बिलियन में पड़ता और साउथ कोरिया का F-50 $4.2 बिलियन में पड़ता। लेकिन मलेशिया ने F-50 को चुन लिया था। लेकिन उस समय मलेशिया की मीडिया ने अपनी सरकार पर यह आरोप लगाया था कि इस डील में बहुत ही बड़ा करप्शन हुआ है और अब इस मुद्दे को लेकर चाइना ने मलेशिया की एंटी करप्शन कमेटी को रिपोर्ट की है और अब इस कमेटी ने इस बात की जाँच शुरू कर दी है कि इस टेंडर में कोई करप्शन तो नहीं हुआ है, और अगर करप्शन हुआ होगा तो साउथ कोरिया के F-50 को